गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीहोर में किसान आत्महत्या मामले में कांग्रेस के बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है, कांग्रेस का कोई भी नेता वहां किसी से मिलने नहीं गया, ये सिर्फ ट्वीट करते हैं, वास्तविकता को नहीं जानते। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमेशा से भ्रम और भय फैलाने की राजनीति की है। किसान आत्महत्या मामले में कांग्रेस के ट्वीट को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा ये मार्मिक और दुखद प्रसंग है, इसमें ट्वीट करने के बजाय जाना चाहिए और वास्तविकता जाननी चाहिए। किसान के घर एक भी कांग्रेस का नेता नहीं गया। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भय और भ्रम फैलाने की राजनीति की है। उन्होंने कहा भ्रम और भय के बीच का नाम ही कांग्रेस है। पबजी गेम के बैन होने के फैसले का नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया और कहा कि यह केंद्र का फैसला है जो कि सही है। इसमें बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। चावल खरीदी में कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि चावल खरीदी पिछले कांग्रेस की सरकार में हुई थी, हमने तो इसमें संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और ये इल्जाम हम पर ही लगा रहे हैं। अब कांग्रेस बोली तो सकती है, गई तो नहीं होगी, वहां जा तो सकती नहीं, ट्वीट कर सकते हैं। किसान के बेटे ने स्वयं ने कह दिया, थोड़ा मन उनका भटका हुआ था और इसके कारण से चित्त जब शांत नहीं होता तो इस दिशा में बढ़े, उनके बेटे का बयान है। बाढ़ आई है, अतिवृष्टि हुई है, वो भी एक पक्ष है, लेकिन कांग्रेस का पक्ष समझ में नहीं आया। इसको क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं, ही नहीं है ना कुछ बताने को, क्या है उनके पास। ये दुखद प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है और इसलिए इस पर ट्वीट नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, वास्तविकता से अवगत होना चाहिए, यथार्थ से अवगत होना चाहिए। इसीलिए हमने तो कल हमारे मंत्री जी ने प्रेस की। ये भ्रम देखिए, कोई भी ट्वीट करे, उनकी कोशिश सिर्फ यही है या आदिकाल से यही रही है कि भ्रम फैलाने की राजनीति करो या भय फैलाने की राजनीति करो। भ्रम और भय के दो के बीच का कोई नाम है तो वो कांग्रेस है। फिर वही ट्वीट आ गया। अरे चावल खरीदे तो उन्हीं ने थी ना, उन्होंने गरीब के जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो खंजर की नोक से, ये इसी तरह से करते आए हैं। इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, पकड़ा हमारी सरकार ने, सस्पेंड किए हमारी सरकार ने, कार्रवाई की मिलों पे हमारी सरकार ने, हमारी कार्रवाई पे ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार हमारी, यहाँ की सरकार हमारी, आप अपनी गलती को छुपा रहे हो। माफी मांगना चाहिए कमलनाथ जी को इस तरह की खरीदी के लिए। केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है और उसका सभी जगह स्वागत है। नौजवान की, खासकर बच्चों की अबोध जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, उसमें से आम जन की ये आवाज़ थी कि इस पर बैन लगना चाहिए और लगाया भी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने-बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।